25 रुपये में खरीदे और 110 रुपये में बेचे, 50 रुपये में खरीदे, 45 रुपये में खरीदे और 150 रुपये में बेचे। जी हाँ, जिस बिजनेस की बात कर रहा हूँ उसमें इतना बड़ा मार्जिन, और इजीली इसको आप अच्छे स्केल पे आप अपना जो बिजनेस है वो चला सकते हो। इसमें जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो 60-70 हज़ार रुपये, लाख रुपए के आसपास रहेगी, वो भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, अगर आप अच्छी क्वांटिटी में काम करते हो, ठीक है। और जो आपके प्रॉफिट्स रहेंगे या आपकी सेल रहेगी, आप इजीली महीने का 4-5 लाख रुपए, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपए तक की सेल भी कर सकते हो, और ये श्योरिटी दे रहा हूँ, क्योंकि एक ऐसा बिजनेस है जिसमें 12 महीने 30 दिन आपका काम चलेगा और बहुत अच्छी सेल्स रहने वाली, ये रोज़मर्रा की हर घर की ज़रूरत है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में जो नया बिजनेस आइडिया लेके आए हैं जो है जी हवाई चप्पल का बिजनेस, और ये मार्केट में आपको 20-25-30 रुपये में होल सेल में मिल जाएगी, और आप इसको नॉर्मली अगर आप देखोगे तो आपको किसी दुकानदार से नहीं मिलेगी। अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग के पास जाके उनसे खुद से मैन्युफैक्चर करवाते हो या फिर आप खुद से मशीन लेके आते हो, तो आपको 1 लाख रुपए के अंदर अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट होगी और उस पर आप इजीली गेम जो है खेल सकते हो। सो रेफरेंस के लिए आपको पहले बता दूं, जो मशीन है वो आप किसी अच्छे इंडिया मार्ट से भी आप चेक कर सकते हो, इंडिया मार्ट पर भी आपको मशीन मिल जाएगी, या आप अपने नियर बाय किसी भी होलसेलर के पास या डीलर के पास पता कर सकते हो जो आपको मशीन दिलवाएगा। अभी आप लोगों के माइंड में ये होगा कि यह जो मशीन है वो चलानी कैसे है, उसका रॉ मटेरियल कैसे मिलेगा, जो हवाई चप्पल है वो कहाँ से कैसे बनेगी, सब कुछ। तो भाई जो आपको मशीन दे रहा है वो आपको अपने रॉ मटेरियल के लिए भी से रेफरेंस दे देगा, क्योंकि उनके सोर्सेज होते हैं, उनका काम होता है, तो आपको रेफरेंस भी दे देगा। अगर वो मशीन दे रहा है तो आपको डेमो भी देगा, चलाना भी सिखाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें रहती है। आप इजिली यहाँ पे 20-25 रुपये, 28 रुपये के आसपास, 30 रुपये के आसपास की ये स्लीपर्स या चप्पल से बना सकते हो, और मार्केट में आपको जनरली बता दो, आप अगर खुद का भी देखोगे ना तो शायद आप भी कम से कम 100 रुपये के आसपास की जो चप्पल है वो लेके आए होगे। तो बनाना बहुत आसान है, इजीली आप घर पे इसको मशीन को इंस्टॉल कर सकते हो, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क या लाइसेंस वगैरह ऐसा कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। हाँ, हर बिजनेस में पेपर वर्क जरूर जरूरी होता है, वो आपको चाहिए, लेकिन बहुत इसमें ऐसा तामझाम नहीं है कि आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएगी, पेपर्स नहीं कंप्लीट हो रहे, लाइसेंस नहीं मिल रहा है, सो ऐसा कुछ भी सी में डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। चप्पल जो है आपको, हवाई चप्पल जो आपको घर पे बनानी है, इसको पैकिंग कैसे करना है आपको पता ही है मार्केट में, कैसे नॉर्मली ट्रांसपेरेंट बैग्स में सेल होती है, अगर आप रिटेल में सेल करोगे तो 100-100 रुपये में आप खुद कस्टमर को सेल कर सकते हो, जिससे क्या है थोड़ी सेल कम रहेगी, लेकिन अगर आप अपने दुकानदारों को, आपके शहर के दुकानदारों को वही चीज़ 25 रुपये में बना के 60-70 रुपये में होलसेल में सेल करते हो, और वो भी आगे 70-100 रुपये में सेल करते हो, तो आपके मार्जिन भी निकल जाते हैं और दुकानदार को भी अच्छा मार्जिन मिल जाता है। तो वहाँ पे अगर आप क्वांटिटी में सेल करते हो तो आपके मार्जिन, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है 25 रुपये या 30 रुपये, उसका डबल आपको इजीली मिल सकता है, तो इसमें मेरे को लगता नहीं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आगी। और उसके ऊपर एक और बेस्ट पार्ट है, आपको सिर्फ चप्पल जो है, जो हवाई चप्पल है जो बनानी है, इसको सेल करने के लिए आप 5-10 हज़ार रुपये के ऊपर इजीली आपको हायर कर सकते हो, लेबर आपको मिल सकती है जो आपको चप्पल वगैरह मशीन के ऊपर बना के देगी, और इसके अलावा आपको सेल्समैन भी मिल जाएंगे जो आपके सैंपल लेके मार्केट जाएगा। तो आपको सिर्फ ये सारा काम ऑटोमेट पे करना है, आपको सिर्फ उन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना हो, इजीली आप सिर्फ विद इन 5 to 6 month, 5-6 month में मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, अगर आप मन लगा के पहले दिन से ही अपना पूरा जोर लगाओगे, सेल्स पे पूरा ध्यान दोगे और अपनी मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी पे ध्यान दोगे ना, तो विद इन 2-3 months या महीने की 4-4, 5-5, 10-10 लाख रुपये सेल कर सकते हो। सो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स, कुछ नए अपडेट्स के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, नमस्कार।